अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताहा टेक्निकल में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्नैपचैट की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपने अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना, जैसे यहाँ पे कैमरे पे आप आ गए या स्टोरी पे या कैसे भी आप अगर वीडियोज़ देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना, आने के बाद ऊपर आप देखेंगे तो येलो कलर में आपको आपकी प्रोफाइल आइकन नज़र आएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर चले जाना। तो जैसे यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी आ चुकी है, अभी आपने क्या करना है कि अपना चेंज करने के लिए नेम और सॉरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ऊपर सेटिंग्स के बटन भी, आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जिससे आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकें। तो एक तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपको दो अकाउंट मिल रहे हैं, और ऊपर देख क्रिएट माई अवतार, आप यहाँ पर क्रिएट माई अवतार पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो जस्ट आपकी पिक्चर्स वगैरह अगर आप लेके वो आप अपनी जो पीछे जो बैकग्राउंड है जिसको हम कहते हैं बैनर, आप वो चेंज कर सकते हैं, तो प्रोफाइल चेंज नहीं होगी। तो प्रोफाइल चेंज के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, माई अकाउंट का और पब्लिक प्रोफाइल का। तो सिंपली आपने क्या करना है, माई अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ओपन नहीं होगा, तो उसके साथ आपको मिलेगा प्रोफाइल पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल। आपने सिंपली पब्लिक प्रोफाइल पे चले जाना। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो देखें आपकी पिक्चर के साथ जो है प्लस का बटन मिलेगा, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी लाइव फ़ोटो खींच के जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी गैलरी में लगानी तो ऊपर आप देखेंगे आपको चार पाँच ऑप्शन मिल रहे हैं, सेटिंग का, डाउनलोड का, गैलरी का और उसके साथ एडिट का। तो आपने सिंपली ये जो पेंसिल वाला निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपकी प्रोफाइल प्रॉपर इधर आ चुकी है, तो ऊपर आप देखेंगे आपका ये येलो जो कलर में आपका प्रोफाइल आइकन है ये एम्प्टी है, खाली है। तो इसके साथ जो प्लस का बटन है सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे सिलेक्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे मेरी जो है वो पिक्चर्स गैलरी में आ चुकी हैं, तो मैं कोई भी जो है वो यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट करके जैसे ये मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो गैलरी में चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको ब्लू में सेव चेंज का बटन मिलेगा, तो इसको आपने यहाँ पे सेव चेंज कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे सेव चेंज करेंगे तो देखें यहाँ से आपकी प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो ईजीली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ईजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ भी चेंज हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।